नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश आज के फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये रेलगाड़ियां खड़ी थी, लेकिन अब मुंबई में ढाई महीने बाद लोकल चल पड़ी हैं। सोमवार 15 जून को सवेरे 5:30 बजे चर्चगेट से विरार के लिए पहली लोकल दौड़ी। हालांकि लोकल में अभी आम लोगों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, इन्हें आपातकालीन और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए चलाया गया। आई कार्ड दिखाने के बाद ही रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त है। एक लोकल में एक बार में 700 लोगों को बैठने की मंजूरी है। इसके अलावा सभी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक कोरियन कंपनी के एंटीजन टेस्ट की को अप्रूवल दिया है। यह किट 30 मिनट के भीतर बता देती है कि मरीज COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं। ICMR के मुताबिक इस टेस्ट के नतीजे से इन्फेक्शन को कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अगर संदिग्ध व्यक्ति एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आता है तो इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाती रही है। इन पार्टियों को अब बड़ी आपत्ति फंड का ऑडिट किए जाने को लेकर ही हो रही थी। कोरोना काल में पीएम केयर फंड्स में बड़ी संख्या में लोगों ने देश हित में दान किया था। प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार उठाई जा रही आपत्तियों के बीच फंड का ऑडिट करवाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। फंड के ऑडिट के लिए एक ऑडिटर की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस बात की जानकारी पीएम केयर फंड्स की वेबसाइट पर दी गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली। वर्ष 2019 में किए गए वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे। इस मार्च में 67,889 बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। इस प्रकार से 13.79% की कमी हो गई है। कुपोषण के खिलाफ जंग में यह एक सरकारी उपलब्धि है। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह पर मुख्यमंत्री ने शुरू की थी। इस अभियान की सफलता के लिए जन समुदाय को भी शामिल किया गया है। चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज के संधारण का काम किया जा रहा है। इसके चलते यहां से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इससे सुपेला रेलवे फाटक और प्रियदर्शनी परिसर अंडर ब्रिज पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। कई बार तो जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। बता दें कि चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज में हर साल की बारिश में जल भराव की समस्या रहती थी। एक बार पानी भरने पर उसे खाली होने में 24 घंटे से ज्यादा समय लगता था। इसलिए अभी वहां पर ब्रिज के लेवल से 2 फीट नीचे गड्ढा खोदकर नाली निर्माण किया जा रहा है ताकि गुरुत्वाकर्षण से पानी बाहर निकल सके। दावा किया जा रहा है कि यदि बारिश में ब्रिज में पानी भरता भी है तो 1 घंटे में वह पूरी तरह से खाली हो जाएगा। दुर्ग शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। घटना 31 मई 2020 की है। प्रार्थी रवि कुकरेजा की रिपोर्ट पर मोहन नगर पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया। शहर विधायक अरुण वोरा की आवाज की नकल कर किसी छात्र ने रवि कुकरेजा से 52,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित को मोबाइल से कॉल करके ठग ने खुद को वोरा का पीए बताया और विधायक जी आपसे बात करना चाहते कहकर अन्य दूसरे व्यक्ति को मोबाइल पकड़ा दिया। दूसरे व्यक्ति ने हुबहू विधायक की आवाज में बात की और पीड़ित से कहा, मेरे बेटे के दोस्त के खाते में 52,000 रुपए ट्रांसफर कर दो और पद्मनाथपुर स्थित मकान में आकर अपनी राशि ले जाना। बाद में पीड़ित ने जब विधायक वोरा से बात की तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ का नया शिक्षण सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालयों में 5 दिनों की जगह 6 दिन शैक्षणिक कार्य होंगे। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और अन्य अवकाश पर पाबंदी लग सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुहड़ कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस विचार को अमल करने का है। इसके अलावा परीक्षा विधि को 2 घंटा करने, 25% ऑनलाइन कोर्स, परीक्षा न होने की स्थिति में 50% अंक इंटरनल असेसमेंट से हो सकता है। साथ ही स्काइप या अन मीटिंग ऐप से व्यवहारिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा का आयोजन
भी किया जा सकता है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी व दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने व गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बताई। लालपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी चंद्रा के अनुसार अंदरूनी उड़ीसा और उसके आसपास एक चक्रवात है। उत्तर पश्चिम राजस्थान से उत्तर उड़ीसा, उत्तर मध्य प्रदेश व उत्तर छत्तीसगढ़ होते हुए 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर एक द्रोणिका है। इसके कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है।